तो ये छोटी छोटी पॉइंट्स जो हैं ये अगर आप अपने माइंड में रखेंगे तो आपको किसी किस्म का एरर नहीं आएगा। और इसके अलावा एक और बात भी अपने माइंड में रखें कि अगर आप डिवाइस चेंज करते हैं, यानी आपने फोन चेंज कर लिया और वो दोबारा से फोन कनेक्ट करने के बाद आप अपना बैकअप बनाते हैं, तो ये नया वाला बैकअप बनेगा, पुराने वाले बैकअप को वो अपडेट नहीं करेगा, क्योंकि पुराने वाला बैकअप जो था उसका ताल्लुक पुरानी डिवाइस के साथ था। तो ये वाला जो बैकअप आप नया बनाएंगे इसका ताल्लुक नई डिवाइस के साथ होगा। तो इस सूरत में फिर ऐसा होता है कि अगर आपके बहुत ज्यादा बैकअप पड़े हुए हैं ऑलरेडी आपकी डिफरेंट डिवाइसेज है, तो आप जब भी नई डिवाइस लें आप अपना डाटा उसमें जब ट्रांसफर कर लें और ट्रांसफर करने के बाद आप पुरानी वाली डिवाइस का जो बैकअप है वो यहाँ से हटा। अच्छा, बैकअप नाउ पे क्लिक करने से पहले एक छोटी सी ऑप्शन यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि दिस पीसी के नीचे ये जो एनक्रिप्टेड लोकल बैकअप है, अगर आप इसको चेक कर देते हैं तो आपका बैकअप जो है वो मजीद प्रोटेक्ट हो जाता है, यानी पासवर्ड प्रोटेक्ट हो जाता है। क्योंकि अगर सी ड्राइव 128 GB की है और बैकअप आपका 200 GB को भी एक्सीड कर रहा है, तो फिर आपका बैकअप बनाने का कोई फायदा नहीं होगा, बैकअप बनेगा ही नहीं। यानी आप ये नहीं कर सकते कि बैकअप बनाते हुए अपनी मर्जी से कोई चीज स्किप करना चाहेंगे, यार ये चीज हम कर लेते हैं चलो ये चीज हम नहीं करते, ऐसा नहीं होगा। वो कंप्लीट फोन का जो बैकअप होगा ना वो आपका वहां पर बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप iOS 18 वाली कोई डिवाइस है और iOS 18 इंस्टॉल है और उसका बैकअप बना लेते हैं, और आप किसी ऐसी डिवाइस पे उसको इंस्टॉल करना चाह रहे हैं जिसके अंदर iOS 17 है, तो ये बैकअप रिस्टोर नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने iPhone का जो बैकअप है वो iTunes के जरिए अपने कंप्यूटर में कैसे कर सकते हैं। तो बैकअप की तरफ जाने से पहले और उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन बताने से पहले कि वो कैसे आप बनाएंगे, मैं आपको कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट आपसे शेयर करना चाहता हूं कि आपके बैकअप से रिलेटेड और कंपैटिबिलिटी और बहुत सारी चीज़ें जो बैकअप करने से पहले आपके माइंड में होनी चाहिए वो आप लोगों को पता होना चाहिए। सबसे पहले बैकअप के बारे में बता दूं कि आईफोन का जो बैकअप आप पीसी में बनाते हैं, इस बैकअप के अंदर सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपकी जो डिवाइस से रिलेटेड होती है, आपकी फ़ोटोज़, आपकी वीडियोज़, आपके ऐप्स का डाटा जितना भी होता है, आपकी सेटिंग, आपकी जो भी आपने आईफोन के अंदर बिल्कुल कह लें कि जो आपकी आईफोन की जो कॉपी होता है ना वो ये बैकअप होता है। और ये बैकअप जो होता है ये ऐसे सेव नहीं होता विंडो के अंदर कि आप कहें कि उसको कोई भी जाके एक्सेस कर लेगा, या उसको ओपन करेंगे तो वहाँ पे पिक्चर शो हो रही होंगी या वीडियोस शो हो रही होंगी, आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन वहाँ पर नज़र आ रही होगी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल सी ड्राइव के अंदर जाके जहाँ पर विंडो इंस्टॉल होती है वहीं पर प्रोग्राम्स के अंदर जाके बहुत डीप आगे जाके तो ये सेव होता है, और ये बिल्कुल एक डिफरेंट फाइल्स होता है, फॉर्मेट होता है, जहाँ पे आप इसको डायरेक्टली उस तरह से एक्सेस नहीं कर सकते। आप दोबारा से इसको आईफोन में रिस्टोर करेंगे ही तो आपका ये डाटा जो होगा वो शो होगा। इसके अलावा एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जब आप इंस्टॉलेशन करें आईट्यून की अपनी सी ड्राइव के अंदर, क्या आपने जी उसका बैकअप बनाना है आईफोन का, तो आप ये चीज़ अपने माइंड में रखें कि जो बैकअप साइज है और सी ड्राइव का जो साइज़ है ना वो देख लें उसको, क्योंकि अगर सी ड्राइव 128 GB की है और बैकअप आपका 200 GB को भी एक्सीड कर रहा है, तो फिर आपका बैकअप बनाने का कोई फायदा नहीं होगा, बैकअप बनेगा ही नहीं। यानी आप ये नहीं कर सकते कि बैकअप बनाते हुए अपनी मर्जी से कोई चीज स्किप करना चाहेंगे, यार ये चीज हम कर लेते हैं चलो ये चीज हम नहीं करते, ऐसा नहीं होगा। वो कंप्लीट फोन का जो बैकअप होगा ना वो आपका वहां पे बनेगा। इसके अलावा बैकअप के बाद आप ये चीज भी अपने माइंड में रखें कि ये जो भी बैकअप आप बनाएंगे, ये जिस iOS वर्जन का बैकअप होगा ना, ये इस वाले वर्जन में या इससे अगले वाले वर्जन में ट्रांसफर हो सकता है, यानी इससे पिछले वाले किसी भी वर्जन में ये ट्रांसफर नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल, अगर आप iOS 18 वाली कोई डिवाइस है और iOS 18 इंस्टॉल है और उसका बैकअप बना लेते हैं, और आप किसी ऐसी डिवाइस पे उसको इंस्टॉल करना चाह रहे हैं जिसके अंदर iOS 17 है, तो ये बैकअप रिस्टोर नहीं होगा। सो मेक श्योर कि सेम iOS वर्जन हो या जिसमें आपने ट्रांसफर करना है, कम से कम उसका जो वर्जन है वो अपडेटेड होना चाहिए। इवन के सेम वर्जन के अंदर अगर पॉइंट का भी फर्क है, यानी अगर आपने 18.2 का डाटा बनाया है और 18.1 में आपने उसको ट्रांसफर करना है, तब भी ये पॉसिबल नहीं होगा। और गाइज, एक और बात भी आप अपने माइंड में रखें कि पीसी पे बैकअप बनाते हुए या बैकअप रिस्टोर करते हुए आईफोन में आपको किसी किस्म का कोई एरर भी आ सकता है। बैकअप बनाते हुए या रिस्टोर करते हुए दोनों में कोई ना कोई रीज़न ऐसी हो सकती है कि आपकी या तो केबल ठीक नहीं है, केबल फॉल्टी है, कॉपी है, ओरिजिनल केबल नहीं है, उसकी वजह से कोई एरर आ सकता है, या कोई कनेक्टिविटी का इशू आ सकता है कि आपकी केबल हिल गई है तो उसकी वजह से आपको या तो केबल रिप्लेस करना पड़ सकती है, या पीसी की कोई जो पोर्ट है यूएसबी पोर्ट, आप उसको चेंज करके उसको भी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप पीसी को रिस्टार्ट कर सकते हैं। आपका जो आईट्यून अगर पहले से इंस्टॉल है, आप उसको चेक कर लें कि वो अपडेटेड वर्जन पे है। तो चलिए, मैं अब आपको पीसी की तरफ लेके चलता हूँ और आपको बताता हूँ कि आईट्यून को कैसे इंस्टॉल करते हैं और इंस्टॉल करने के बाद आप उसको कैसे उसका बैकअप बनाते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि सिंपली अपने क्रोम ब्राउजर में जाना है और यहाँ पे गूगल में जाके आपने लिख देना है कि डाउनलोड आईट्यून फॉर विंडोज 10। ये वाली जो इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ रही है आप इस तरह से लिख दें। यहाँ पे जो इसका जो आईट्यून का जो सॉफ्टवेयर है, इसके लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में जाना पड़ेगा, जो कि पहला लिंक मैंने यहाँ पे आपको, इसलिए मैंने सर्च में भी माइक्रोसॉफ्ट स्टोर लिखा हुआ है ताकि डायरेक्ट वो लिंक आ जाए।
तो आप इसको ओपन कर लें गाइज। यहाँ पे आपने डाउनलोड पे क्लिक करना है और यहाँ पे अगर आपके पीसी में IDM यानी इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर है तो उसके ज़रिए भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, या नहीं भी है तो फिर आप जो क्रोम के ज़रिए भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं इसको ओके कर देता हूँ। तो जैसे ही ओके करूँगा वो एक छोटी सी फाइल है यानी iTunes इंस्टॉलर के नाम से वो इसको डाउनलोड कर देगा, और डाउनलोड करने के बाद मैं इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर की डाउनलोड्स में जाऊँगा और वहाँ पर मैं जाके इसको ओपन कर दूँगा। ओपन करने के बाद वो सिंपली आपसे कहेगा इंस्टॉल। इंस्टॉल पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये स्टार्ट डाउनलोड करना शुरू कर देगा, यानी कि iTunes का जो सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा, और डाउनलोड करने के बाद ये आपकी डाउनलोड्स में जाके एज अ सॉफ्टवेयर यानी एक्जी जो फाइल है वो वहाँ पे आ जाएगी। तो फिर उसके बाद आपने सिंपली इस पर क्लिक करना है इस फाइल के ऊपर, और ये एज अ सॉफ्टवेयर जैसे आप कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं वैसे ही इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। यानी सिंपल कुछ इंस्ट्रक्शन आएंगी, आपने नेक्स्ट करना है, और इसकी जो डिफ़ॉल्ट लोकेशन है अपने वो सी ड्राइव वाली वो देनी, और इसके बाद ये वाला जो सॉफ्टवेयर है ये इंस्टॉल हो जाएगा। मैंने अपने पीसी में ऑलरेडी इसको इंस्टॉल किया हुआ है तो मैं इसको इंस्टॉल नहीं कर रहा, मैं डायरेक्ट आपको इस पे लेके जा रहा हूँ कि ये किस तरह से काम करता है। सो जैसे ये सॉफ्टवेयर ओपन होगा तो आप अपनी डिवाइस को इसके साथ कनेक्ट करना है, और कनेक्ट करने के बाद वो आपसे पासवर्ड मांगेगा और ट्रस्ट कहेगा कि ट्रस्ट करना है। तो आपने सिंपली आईफोन की स्क्रीन के ऊपर ट्रस्ट को प्रेस करना है, और जो भी पासवर्ड है वो पासवर्ड आपने अपना यहाँ पे लगा देना, और आपका जो फ़ोन है वो कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपने सिंपली ऊपर जो आपको देख रहे हैं यहाँ पे छोटा सा आईफोन का आइकॉन बना हुआ है, इस पर क्लिक करें तो आपके सारी आईफोन की जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे आपके सामने आ रही है। यानी ये कुछ ओवरव्यू है जो इस वक्त आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। यानी लेफ्ट साइड पे आईफोन का नाम है, उसकी स्टोरेज है, और कुछ बेसिक चीज़ें हैं म्यूज़िक मूवीज़ टीवीज़ फ़ोटोज़, इस चीज़ इनकी तरफ हमने नहीं जाना अभी फ़िलहाल। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपका जो ये जो बैकअप वाला सेक्शन है सेंटर में हमने इसको देखना है। तो यहाँ पे जो इस वक्त सिलेक्टेड है ये iCloud के ऊपर है, हम यहाँ से इसको हटा के दिस पीसी पे क्लिक कर देंगे तो अब मेरा जो बैकअप है वो इस पीसी पे बनेगा। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो बैकअप नाउ वाला बटन है इसके नीचे लिखा हुआ है लास्ट बैकअप। तो इस फ़ोन का मैंने बैकअप ऑलरेडी बनाया भी था पिछले साल जुलाई में, तो अगर आपका भी कोई ऑलरेडी बैकअप बना हुआ है तो इस तरह से डेट आ जाएगी सेम फोन की। अच्छा, बैकअप नाउ पे क्लिक करने से पहले एक छोटी सी ऑप्शन यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि दिस पीसी के नीचे ये जो इनक्रिप्टेड लोकल बैकअप है अगर आप इसको चेक कर देते हैं तो आपका बैकअप जो है वो मजीद प्रोटेक्ट हो जाता है, यानी पासवर्ड प्रोटेक्ट हो जाता है। यानी जब आप रिस्टोर करेंगे ना किसी भी फोन के अंदर तो आपसे पासवर्ड मांगेगा, देन वो बैकअप जो होगा वो आपका रिस्टोर हो पाएगा। अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं तो ज़्यादा सिक्योर्ड वर्जन है ये बैकअप का, नहीं तो सिंपली आप इसको ऐसे ही छोड़ दें और बैकअप नाउ पे क्लिक कर दें तो हमारा जो बैकअप है वो ऊपर आप देख रहे हैं एक बार से शुरू हो जाएगा। और गाइज एक और चीज़ जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि अगर आप ऑलरेडी बैकअप बना चुके हैं और दोबारा आप बैकअप बनाते हैं तो हर दफ़ा नया बैकअप दोबारा से नहीं बनाता। यानी आपका एक फ़ोन है, आपने एक महीना पहले उसको कनेक्ट करके इसका बैकअप बनाया था, अब दोबारा से एक महीना बाद सेम फ़ोन को जब आप वहाँ पे बैकअप बनाएंगे तो आपका जस्ट वो जो एक महीने के अंदर जितनी भी आपने अपडेट्स की हैं यानी जो वीडियो या फोटोज़ डिलीट की हैं या जो ऐप डिलीट की हैं और कुछ रीइंस्टॉल की हैं कुछ नई फोटोज़ ली हैं तो वो उनको ऐड और माइनस कर देगा। यानी आपका पूरे का पूरा बैकअप दोबारा नहीं बनेगा। और इसके अलावा एक और बात भी अपने माइंड में रखें कि अगर आप डिवाइस चेंज करते हैं यानी आपने फ़ोन चेंज कर लिया और वो दोबारा से फ़ोन कनेक्ट करने के बाद आप अपना बैकअप बनाते हैं तो ये नया वाला बैकअप बनेगा, पुराने वाले बैकअप को वो अपडेट नहीं करेगा, क्योंकि पुराने वाला बैकअप जो था उसका ताल्लुक पुरानी डिवाइस के साथ था। तो ये वाला जो बैकअप आप नया बनाएंगे इसका ताल्लुक नई डिवाइस के साथ होगा। तो इस सूरत में फिर ऐसा होता है कि अगर आपके बहुत ज़्यादा बैकअप पड़े हुए हैं ऑलरेडी आपकी डिफरेंट डिवाइसेज है तो आप जब भी नई डिवाइस लें आप अपना डाटा उसमें जब ट्रांसफ़र कर लें और ट्रांसफ़र करने के बाद आप पुरानी वाली डिवाइस का जो बैकअप है वो यहाँ से हटा दें। अब कैसे आपको पता चलेगा कि आपके पुराने बैकअप्स कहाँ पड़े हुए, तो आपने सिंपली स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं ऊपर फाइल एडिट और व्यू ये वाले बटन है, तो आपने सिंपली एडिट में जाना है, प्रेफरेंसेस में जाना है और उसके बाद यहाँ पे डिवाइसेस में जाना है। तो यहाँ पे जितने भी आपके बैकअप्स पड़े होंगे ना यहाँ पे वो आपको स्क्रीन पे यहाँ पे नज़र आ जाएंगे कि ये वाले जो बैकअप पड़े हुए हैं तो आप यहाँ से इनको डिलीट भी कर सकते हैं। सिंपली उसको क्लिक करें डिलीट बैकअप करें तो वो आपसे कंफर्मेशन मांगेगा और ये बैकअप डिलीट हो जाएगा। ओके गाइज, अब हम बात करते हैं कि आप अपना बैकअप जो है वो अपनी नई डिवाइस में रिस्टोर कैसे कर सकते हैं। तो सिंपली आप जिस फ़ोन में इसको रिस्टोर करना चाह रहे हैं उस फ़ोन को कनेक्ट करें। कनेक्ट करने पे आपसे वो वही ट्रस्ट वाली बात करेगा कि ट्रस्ट का पॉपअप करेगा, आपने सिंपली उसको ट्रस्ट करना है। ट्रस्ट करने के बाद आप यानी उसको पासवर्ड देने के बाद जैसे ही आपका फ़ोन कनेक्ट होगा तो iTunes के अंदर एक चीज़ आपने देखनी है कि जैसे ही आप अपना फ़ोन कनेक्ट करेंगे ना तो वो ऑटो बैकअप बनाना शुरू कर देगा। यानी जैसे आप ऊपर देख भी रहे हैं
कि फटाफट उसने बैकिंग अप करना शुरू कर दिया इस फ़ोन को, तो आप इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। ये जो एरो छोटा सा बना हुआ है, आप सिंपली इसके ऊपर क्लिक करें तो आपका जो ये है, ये वाला जो फ़ोन जो मैंने नया कनेक्ट किया, इसका बैकअप जो है वो कैंसिल हो जाएगा। सो गाइज, यहीं बैकअप वाले सेक्शन के अंदर बैकअप नाउ के साथ ही रिस्टोर बैकअप का बटन है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये छोटी सी विंडो आ जाएगी जिसपे आपसे वो पूछेगा कि कौन से बैकअप को आपने रिस्टोर करना है। तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट से भी आपको पता लग जाएगा कि ये वाले बैकअप्स हैं, आप किसको रिस्टोर करना चाहते हैं। तो जिस भी बैकअप को आप रिस्टोर करना चाहेंगे, आप उसको सिलेक्ट करेंगे और नीचे रिस्टोर वाला जो बटन है उस पर आप इसको क्लिक कर देंगे, तो वो जो फाइल है उसको रीड करने के बाद इसका बैकअप जो है वो रिस्टोर करना शुरू कर देगा। और आगे फर्दर इस पर टाइम कितना लगेगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि बैकअप के साइज़ पर डिपेंड करता है कि रिस्टोर करते हुए कितना टाइम लगेगा या बैकअप बनाते हुए कितना टाइम लगेगा। और इस पे इसी प्रोसेस में ही एरर आता है, रिस्टोर के प्रोसेस में एरर आ सकता है जो मैंने आपको पहले बताया, और उसकी रीज़न भी मैंने आपको बता दी हैं कि iOS वर्जन की कंपेटिबिलिटी हो, साइज़ का मसला ना हो, iTunes आपका आउटडेटेड ना हो, अपडेटेड हो। अगर आपका iTunes ऑलरेडी आउटडेटेड है और आप उसको अपडेट करना चाहते हैं, तो उसका सिंपल तरीका ये है कि आप सिंपल ऊपर आपके पास इंफॉर्मेशन आ रही है, आप ये जो हेल्प लिखा हुआ है आप इस पर क्लिक करें और यहाँ पे नीचे आ जाएं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है चेक फॉर अपडेट्स। अब चेक फॉर अपडेट्स के ऊपर ऐसे क्लिक करेंगे तो वो iTunes का अपडेट वर्जन आपको बता देगा कि अपडेटेड वर्जन है जैसे कि उसने बता दिया है, या फिर आपका कोई वर्जन अगर अवेलेबल है तो वो भी बता देगा। ओके गाइज, इसके अलावा भी अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो मुझे इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं आपका जरूर रिप्लाई करूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आप तक पहुँचते रहें। आप लोगों से बहुत जल्द मुलाकात करूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।